अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं थोड़ा एनर्जेटिक टाइप का, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है इस तरह का व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। और बाय द वे, ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसने किया क्या है। सो ये अभी जो है, मैं नेल पेंट ट्राई कर रही थी, वाइट कलर की लेके आई हूँ। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सो मैंने सोचा कि मैं भी नेल पेंट ले आऊँ। और मेरे पास बाय द वे पड़ी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। और इसके अलावा जी, मैंने फुल क्यों नहीं लगाई, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है। सो बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि आप नेल पेंट लगाओ और बार बार उतारो। सो नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ फर्स्ट है, इसलिए अभी ये जो ये दो फिंगर्स पे लगाई हुई है, ये भी मैं अभी रिमूव कर दूँगी। सो आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि मैं जो है गई थी डॉक्टर के पास। और हाँ जी, सो डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने जो है मुझे बहुत सख्ती से कहा कि थोड़ा परहेज़ करें, स्ट्रेस ना लें। इसके अलावा जो है, आपने वज़नी चीज़ कोई नहीं उठानी, ऐसी ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपके जो हाथ और बाज़ों पे ज़ोर पड़े। क्योंकि आप मतलब कोई बर्तन भी उठाते हो, कोई कोई चीज़ उठाते हो, तो आपके हाथ और बाज़ों पर ज़ोर पड़ता है। सो उसके बाद जी, मेडिसिन वगैरह मैं ले रही हूँ, आज 2 दिन हो गए। और अभी जो है इंजेक्शन एक लगवाया है, और 3 दिन के गैप से मैं दोबारा इंजेक्शन लगवाऊंगी। और व्लॉग बेसिकली जो डेली रूटीन का होता है वही है। और इसके अलावा जी, कल जो है मैंने ऑफिस की जो जॉब मतलब काम किया है, वो ऑलमोस्ट मतलब मैं 9 बजे स्टार्ट किया था और रात के मैं आई थिंक 2 बजे तक करती रही हूँ। इट वॉज़ लाइक अ हेक्टिक 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 डे फॉर मी। और मैं कॉन्टीन्यूसली काम कर रही थी, मतलब घर के काम भी करी जा रही थी, उसके बाद बर्तन खाना बनाना, रोटी बनाना होता है वो भी, और उसके बाद जो है हसन को देख रही थी। उसका मतलब ऑब्वियसली बात है, बच्चा है, तो उसकी नैपी चेंज करना, पैम्पर चेंज करना, नहलाना, बार बार जो है कुछ मांगता है, अब वो तंग भी करता है। तो सीरियसली इट वॉज़ अ हेक्टिक डे फॉर मी। और इसके अलावा जो है, मैंने सोचा थोड़ी सी लंबी जो है गुफ्तगू की जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई। एनी हाउ, इसके अलावा जी, जो भी इस आज की रूटीन में होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या क्या होता है। बाबा मम्मा को नहीं देते, यहाँ पे नाश्ता कर लिया था। और ये है जी कैल्शियम, और ये मैं डेली लेती हूँ जब भी बर्तन धो रही होती हूँ, तो इससे ये होता है कि मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। और अभी ये लेंगे साथ और बर्तन धोएंगे, और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये मैं डेली लेती हूँ अगर हो मेरे पास, क्योंकि जब भी बर्तन धो रहे हो तो मुझे मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये उसके बाद ये बर्तन धोते हैं, और उसके बाद जी खाना वगैरह बनाना होता है। और ये मैं रोटियां बना रही थी साथ साथ, क्योंकि कढ़ी जो है वो पक रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है साथ रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक जो होता है हसन ने सोना होता है, वो बहुत तंग करता है। और इसके बाद जी पकौड़ों के लिए मिक्सर बना लिया था, रोटियाँ बना के जो है पकौड़े अब बनाऊँगी और कढ़ी में डाल दूँगी, ताकि जो है जल्दी से खाना बन जाए और कंप्लीट हो जाए मेरा काम। सो बहुत हेक्टिक हो जाता है, साथ ऑफिस का काम भी चल रहा होता है, हसन भी होता है, सो बस मैनेज करना पड़ता है। और ये अभी मैं जो है कढ़ी में डालूंगी, और उसके बाद जो है हसन को सुलाऊंगी, और उसको भी कुछ खिलाना हुआ तो वो खिला दूंगी। उसके बाद ये जी, इसके लिए पापड़ जो है फ्राई किए थे, लेकिन इसने कोई खास नहीं खाए। यहाँ पे हो रही है हसन की टेंड, क्योंकि इसके बाबा को बहुत ज्यादा इसके बालों से तकलीफ थी। इधर देखो हसन। सो आज मैं इंजेक्शन लगाने जा रही थी, और ये है इंजेक्शन, और बहुत रेयर पेन था। सो आफ्टर 3 डेज जो है इंजेक्शन लगवाने, और बाइक पे हम जा रहे थे इंजेक्शन लगवाने।
अभी जो है डॉलर सिटी आ गए हैं और यहाँ से मैंने हसन के लिए लेना था फिल्टर धोने वाला, एंड इसकी कैप देख रहे थे ये लेनी थी, और इसके अलावा बोतल्स जो पानी वाली बोतलें होती हैं वो ख़त्म हुई थी सो वो लेनी थी, यहाँ पे ही चेक कर रहे थे इसके लिए कैप, और ये हमने ली है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी वाली कैप ली है। और इसके अलावा यहाँ पे बोटल्स मिल गई थी, लेकिन जो है फीडर साफ करने वाला ब्रश नहीं मिला था, सो वो हम लोग क्लासिक से ही लेंगे, क्लासिक में मिल जाता है। सो यहाँ पे काफ़ी जो है नई चीज़ें आती रहती हैं और इनका बड़ा अच्छा है। ये सिर्फ नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे जी मेरी सास को लेके डॉक्टर के पास जा रहे थे, उमेर और हसन को भी मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि घर में जो है फिर काम करना होता है तो हसन नहीं वो करता। और इसके अलावा राइजिक, क्योंकि स्टमक इशू ना हो जाए, और इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है। कल जो है डॉलर सिटी से ही मैं दो बोतलें लेके आई हूँ, क्योंकि जो था पुरानी बोतलें सारी टूट गई थी, और ये वाली लाई हूँ। वैसे मेरा होता है कि मतलब जो ग्लास वाली होती है वो लूँ, लेकिन ग्लास वाली ठीक नहीं। बाबा के शूज क्यों पहने आपने? गिर जाओगे। ये बाबा की चूज पहन ली है जिनने, तो गंजी बेबी ने। आ जाओ वापस अपनी जगह पे रखो। उसके बाद जी मैंने लेने था वॉलेट, और मैंने काफ़ी जो है आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जो मैं गीगा मॉल गई थी वहाँ से भी मैंने काफ़ी सर्च किया था, लेकिन अभी जो है मैं आई हूँ लोकल मार्केट, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो हैं वो वॉलेट पड़े हुए थे। सो अभी मैं थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना वो बोलते हैं थोड़ा ही बंदा दे सकता है। सो लोकल मार्केट में बहुत अच्छे वॉलेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप ब्रांड के, क्योंकि मैंने ब्रांड्स के देखे हैं, लेकिन उनका ये होता है क्वालिटी, लेकिन समटाइम यहाँ के भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। सो मेरा पहले वाला भी जो था वो लोकल मार्केट का ही था। सो दोबारा मैं आई हूँ, और मुझे थोड़ा सा हैंडी चाहिए था, और मैंने इनमें से ही कोई लिया है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वॉलेट लिया है। सो फाइनली आई चेंज माई वॉलेट, और आज ही जाके मैंने ये लिया है, और आपने वीडियो में देख लिया होगा कि लोकल मार्केट से ही लिया है। सो ये मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा पुराना वॉलेट भी जो है ना इतना ही था। सो ये होता है कि इजी टू कैरी होता है, मतलब छोटा वॉलेट ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसके जो हैं आप पॉकेट्स भी देख सकते हैं, ये कार्ड्स के लिए भी है, विच इज़ हाँ ये जो है ना कार्ड्स वगैरह के लिए। सो क्योंकि मेरे जो हैं एटीएम वगैरह होता है, और इसके अलावा CNIC, तो उसके लिए भी जगह बनी हुई है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ पर बायर भी है। ओ माय गॉड ये भी है, वाओ ये मतलब जितने आप इसकी स्पेस जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी है। सो ये जो है मैंने लोकल मार्केट से लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये वॉलेट हो गया, और साथ ही ये मैंने वाइट कलर की जो है नेल पेंट ली है, और अभी ये मैं लगा रही थी क्योंकि अभी मैं नमाज पढ़नी है, सो इसलिए लगा नहीं सकती। लेट मी शो यू कि मेरे पुराने वॉलेट का हाल क्या है। ये हसन ने जो है, और बाय द वे काफ़ी अर्सा हो गया था इसको, हसन ने जो है हाल इसका ये क्या कर दिया दांतों से, ये जो है दांतों से इसकी एंडिंग चल रही थी। सो ये सारा भी मैं चेंज करने लगी हूँ, सारे इसमें जो है ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। ये मेरे कार्ड्स CNIC हो गया, उसके अलावा जो है JDOT की मेंबरशिप होती है वो फाइनली डन हो गया। और इतना कोई मेरे वॉलेट में से जो है पेमेंट्स की स्लिप्स जो हैं और कैश निकालने की स्लिप्स निकली हैं कि बस उससे भरा हुआ था। सो ये हैं जी यहाँ पे जो मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जी ATM एंड CNIC, और यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स हैं वो पड़े हुए हैं। सो ये हो गया मेरा वॉलेट। बाय द वे आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मिल गया है। सो डन डन डन। सो जी टुडे आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई दिस वेडिंग पिक्चर्स, और बाय द वे ये सिर्फ एक मतलब मैं फ्रेम्स काफ़ी लेके आई थी, लेकिन जो है पिक्चर्स हमने अभी तक नहीं बनवाई। सो मेरे पास ये पिक्चर्स पड़ी हुई थी, तो इन्हीं को ही मैंने चार पिक्चर्स थी, तो मैंने इन्हीं को ही लगा दिया कि कुछ तो हो ना अभी, मतलब रूम इतना सेट ही नहीं किया, क्योंकि हसन इतना तंग करता है और इतना कोई बिजी होती हूँ, तो मैंने रूम को ही सेट नहीं किया।
और मतलब कोई सेटिंग शेटिंग अभी तक तो मैंने आपको रूम टूर भी नहीं दिया। इंशाल्लाह जब मतलब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, तो तब मैं आपको जो है रूम टूर भी दूंगी और रूम थोड़ा सा सेट करूंगी, सेटिंग मेरा चेंज करूंगी। सो कुछ चीज़ें हैं लेकिन अभी वो थोड़ा सा छोटा है, वो चीज़ें इधर उधर छेड़ लेता है, तोड़ देता है, तो फिर फ़ायदा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप लेके आओ एक्सपेंसिव और फिर आप करो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आपने क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।